अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। एक दोस्त ने काफ़ी अहम कमेंट किया कि उनके एक दोस्त हैं जिन्होंने 12 साल अपना वीज़ा लिबरल चलाया और उनकी उम्र जो है वो 65 साल 4 महीने हो चुकी है, जो कि ऑफिशियल रिटायरमेंट की एज है स्पेन की, तो उनकी पेंशन कितनी लगेगी। एक चीज़ का दोस्तों हमेशा याद रखें कि ये आपके साल पूरे हो चुके हैं, आपने कितने साल काम किया है, ये चीज़ें जो है कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी नहीं हैं। जो मज़ीद चीज़ें देखी जाती हैं उसमें ये देखा जाता है कि उसने अपने पूरे वीज़ा लिबरल या पूरी ज़िंदगी जो उसने स्पेन यहाँ पे गुजारी है उसमें उसने जो पारो है वो कितनी ली है, और उसके बाद उसने कौन सा काम किया है। अब एक बंदा जो एग्रीकल्चर में काम करता है, एक बंदा जो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, एक बंदा जो रेस्टोरेंट में काम करता है, या एक बंदा जिसने सारी उम्र अपनी ऑटोनोमो चलाई है, अपना बिज़नेस किया है वो होता है, तो ये तमाम का डिफरेंट जो है वो पेंशन रेट होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अब आपने साल पूरे कर लिए, आपकी एज पूरी हो गई और आपने कैलकुलेट कर लिया ईयर्स के हिसाब से। ये हर बंदे पे, हर प्रोफेशन पे वेरी करता है और हर एक का अलग-अलग से पेंशन का रेट निकलता है और उसके मुताबिक उसकी पेंशन लगती है। अल्लाह हाफिज़।